टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने स्नेकर यानी कि जो आपका NFT स्नेकर है उसको आप स्पेंडिंग वॉलेट से मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो और मेन वॉलेट से फिर किसी दूसरे एक्सटर्नल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आना है स्नेकर पर, क्लिक करना है। स्नेकर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे बॉटम पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, लेवल अप, रिपेयर, मिंट, सेल, लीज, लास्ट वाला ऑप्शन है ट्रांसफ़र। अब जैसे ही आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि ट्रांसफ़र की कॉस्ट है 5 GST, तो आपके पास 5 GST लाजमी हो चाहिए। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, गूगल ऑथेंटिक कोड डालें आप अपना। अब मैं अपना कोड डालूँगा, अब जैसे मैं कोड डालूँगा तो ये ट्रांजेक्शन हो चुकी है। इसी तरह अब इस तरह मैं सोलाना चेन पे आऊँगा, सोलाना चेन पे आके वहाँ पे भी यही होगा। मैं अपना कोई भी स्नेकर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। पहले मैं अपने स्पेंडिंग वॉलेट में कुछ GST भेजता हूँ। अब जैसे ही GST इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद मैं सोलाना चेन से भी अपना स्नेकर ट्रांसफ़र कर पाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी जो बाइनेंस स्मार्ट चेन से अपना स्नेकर ट्रांसफ़र किया है उसका क्या सीन है। इसको मैं मेन वॉलेट में जाके देखता हूं, अभी तक रिफ़्रेश किया, अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आएगा मैं वीडियो पॉज करता हूँ, जैसे ही आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। जी तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्नेकर मेरे मेन वॉलेट में आ गया है। अब इस वॉलेट पे मैं स्नेकर पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो स्नेकर को अब मैं दूसरे किसी अकाउंट में सेंड करना चाहता हूँ। अब मैं सेंड का ऑप्शन दबाऊँगा, ये आप देखें दोबारा एक दफ़ा आ जाए, यहाँ पर आ जाए मेरे पास। अब ये स्नेकर है, ये आप देखें बाइनेंस स्मार्ट चेन की स्नेकर है। अब इसमें स्नेकर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर स्नेकर पर दोबारा क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही सेंड का ऑप्शन, अब यहाँ पे मुझसे एड्रेस मांग रहा है कि मैं किस एड्रेस पे स्नेकर सेंड करूँ, तो मैं डायरेक्ट उस एड्रेस को यहाँ पे डाल दूँगा। सही है। तो मुझे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्नेकर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो काइंडली बाइनेंस स्मार्ट चेन के एड्रेस पर ही करिएगा, अदरवाइज़ स्नेकर आपका ज़ाया हो सकता है। सबसे पहले नेटवर्क लाजमी चेक करिएगा, दूसरी चीज़ ये कि आपका वही वॉलेट हो जिसमें आपने स्टेपन का अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्टेपन के अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन वाले एड्रेस पे स्नेकर सेंड कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, अभी मैं एड्रेस डालूँगा, ये एड्रेस मेरा स्कैन हो गया है और अब मैं इस पर सेंड कर लूँगा। अब ये बोल रहा है फ़ीस इसकी इतनी है भाई, तो इसको मैं कंफर्म करूँगा। तो ये मेरा जो स्नेकर है वो मेरे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में या किसी को भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये स्नेकर आप क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेसिकली आप चाह रहे हो कि जब से स्टेपन की बहुत सारी चेंजेस आई है कि दो मोबाइल एक साथ आप लेके वॉक नहीं कर सकते, इसी तरह और भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं कि यार अब मेरे पास तो दो मोबाइल थे, मैं एक साथ वॉक नहीं कर सकता और मेरे पास टाइम भी इतना नहीं है। तो इसलिए आप एक ही वॉलेट में स्नेकर सारे ट्रांसफ़र करके उससे वॉक कर सकते हैं। तो ये तरीका इसलिए मैंने आपको बताया कि आप अपने स्नेकर्स भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, मुझसे वीडियो पर मुझे रिक्वेस्ट भी है कि स्नेकर ट्रांसफ़र करने की वीडियो बनाओ, तो मैंने आज बना दी क्योंकि मुझे अपना स्नेकर एक ट्रांसफ़र करना था। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने देखा यार मेरे जो चैनल पे व्यूज़ आते हैं वो मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।